तो आज के हमारे इस ओके ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में रिकॉर्डिंग माइक्रो। सबसे पहले समझिए ओके कि रिकॉर्डिंग माइक्रो आखिर करता क्या है। देखिए, रिकॉर्डिंग माइक्रो का काम होता है आपके माउस इवेंट को कोड में कन्वर्ट करना। जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं एक सीट टू पे गया, रिकॉर्डिंग माइक्रो ऑन कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, यहाँ पे मैं लिख दिया ओम। तो कर्सर रख के ओम लिखने का जो कोड है उसने जनरेट कर दिया। आप इसको एडिट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसने कोड जनरेट कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि जब माइक्रो खुद ब खुद हो जा रहा है, मैंने खुद ब खुद कोडिंग हो जा रही है, तो हम वीवीए सीख क्यों रहे हैं? समझे? तो बीपीएससी या देखिए, आप जो है इस बीपीएससी माइक्रो रिकॉर्डिंग की मदद से डायनेमिक कनेक्टिविटी, कंडीशंस, ये चीजें नहीं कर सकते हैं। करेक्ट समझे ना? तो करेक्ट उसके लिए रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। मतलब कि आप एक बोलेंगे मैं रिकॉर्डिंग माइक्रो से अपना काम कर लूंगा, तो ऐसी पॉसिबल नहीं। तो फिर रिकॉर्डिंग माइक्रो काम क्या आता है? तो रिकॉर्डिंग माइक्रो का काम दो चीजों पे होता है। पहला पहला है आपका डिक्शनरी, जिसको एज ए डिक्शनरी इस्तेमाल की जा सकती है। रिकॉर्डिंग माइक्रो को आप एज ए डिक्शनरी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए किसी का कोड नहीं पता, मान लीजिए आपको पेस्ट स्पेशल कोड नहीं पता, तो मैंने इसे ओके किया और कहीं कॉपी किया और कहीं और राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और यहां हमने सेलेक्ट कर लिया, वैल्यू सेलेक्ट करके ओके कर दिया और फिर स्टॉप कर दिया। फिर इसकी कोडिंग में अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि पेस्ट स्पेशल करने का कोड क्या होता है, कॉपी करने का कोड क्या होता है। इसका यूज आगे चल के जब आप बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड माइक्रो लिखेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि फिल्टर का कोड या रिमूव डुप्लीकेट का कोड या पिवट का कोड या चार्ट का कोड में कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है, या कभी कभी कुछ चीजें छोड़ देते हैं, या किसी चीजों को हम दो बार कर देते हैं, हाँ तो यहां ये आपका काम आता है। चल, ओके वी कैन रेफर टेक इट फ्रॉम द कोडिंग फ्रॉम हियर एंड वी कैन पुट इट इनटू आवर जी वर्किंग कोडिंग, राइट? जी जी या अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि क्या अगर मैं माइक्रो अच्छे सीख लूँ, इसके अलावा और भी काम है? देखिए, इसका काम और चीज़ों पे हम करते हैं। इससे शुरुआत में क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज थोड़ी कम होती है, तो हम रिकॉर्डिंग माइक्रो अच्छा को एडिट करके हम अपना काम कर लेते हैं। इसी में आपको सामने एक प्रोजेक्ट में रख रहा हूँ कि आपके सामने मेरा एक डेटा है। क्यों निकाली? मैं चाहता हूं कि जैसे माइक्रो रन हो मुझसे पूछे कि मुझे किस जोन का डेटा चाहिए। ठीक है? मैं उस अच्छा और वो जोन में लिखूं, लिखने के बाद उस जोन का डेटा कॉपी होके एक नई फाइल पे पेस्ट होके एक लोकेशन में सेव हो जाए। मतलब मेरे पास पूरा डंप डेटा आता है और मुझे पर्सन फोन करते हैं कि मुझे इसका डेटा भेज दो, उसका डेटा भेज दो, तो हमें फिल्टर लगाना पड़ता है। फिल्टर तो मान लो एक कंडीशन में कई सारे कंडीशन होते हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो सारे कंडीशन हम रिकॉर्ड कर ले रहे हैं और उसको हम यूज करेंगे। तो रिकॉर्डिंग ओके माइक्रो से करना चाहिए, तो हम रिकॉर्डिंग माइक्रो पे क्लिक करते हैं एंड ओके करते हैं, एडिंग पे क्लिक करते हैं। अब रिकॉर्डिंग माइक्रो में शुरू कर दिया है तो इसका ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा क्लिकिंग, एक्स्ट्रा माउस मूविंग कहीं पे कुछ करना मत कीजिएगा। जो आपके स्टेप्स है आप उसी स्टेप्स को फॉलो करें। ठीक है? अच्छा ओके हाँ हाँ नहीं तो वो भी रिकॉर्डिंग हो जाता है जी ना हाँ अगर जी हाँ। मुक जैसे गया आपने तो। किसी सीट पे जाना है, कोड रख दिया, आप उस सीट पे हाँ चला तो गए, वो भी कैप्चर करेंगे वो। कैप्चर कर लेगा। अब मान लीजिए अभी तो सीट है, अगर मान लीजिए कि कुछ दिन बाद इस माइक्रो एक बार के लिए तो नहीं बन रहा है ना सर, तो हर दिन चलेगा, हाँ करेक्ट है ये और अगले दिन वो आपके पास उस सीट नहीं रहा, आपने सीट डिलीट कर दिया, रिनेम कर दिया या कुछ भी कर हाँ दिया, हाँ तो देन एरर देगा ना सर। करेक्ट करेक्ट फिर मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट एल करके फिल्टर लगाया। फिल्टर में आने के बाद हमने यहाँ पे मान लीजिए सेंट्रल को सेलेक्ट कर लिया। अब फिर हम अब सिलेक्शन भी माउस से मत कीजिए। अगर माउस से आप सिलेक्शन करते हैं ना, तो क्या होता है हाँ
एक पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट हो जाता है। इसलिए सिलेक्शन कीजिएगा कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो। अब फिल्टर ओके डेटा को डायरेक्ट कॉपी करने से अवॉइड कीजिएगा। कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल जी, इसके अंदर स्पेशल, इसके अंदर आता है विजुअल सेल्स ओनली, उसको क्लिक किया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी शीट्स हैं लेकिन इस पे नहीं जाऊंगा, एक नई शीट इंसर्ट करूंगा क्योंकि अभी है, नेक्स्ट टाइम में नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट सीट इंसर्ट करने का कोड जनरेट हो गया ना सर, तो हर बार सीट हाँ वही इंसर्ट कर लेगा। जल्दी फिर जल्दी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंट्रल, और फिर इसको राइट क्लिक कर मूव एंड कॉपी, और इसको एक नई फाइल में मूव कर देते। ठीक है सर। हाँ अब इस फाइल का नेम सेव एज करते एक लोकेशन में जो कि है ई ड्राइव के अंदर 2022, इसका नाम रखते हैं सेंट्रल, और यहां हम वर्कबुक सेलेक्ट करते हैं और सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करके फिल्टर हटा देते हैं, फिर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। माइक्रोज में जाइए, माइक्रो 3 है, एडिट कीजिए, आपके सामने कोड आ जाएगा। अब इस माइक्रो को रन करने पे वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, चलिए उसी प्रॉब्लम को दूर करते हैं। समझे? ये सबसे पहले तो ये कट कॉपी मोड फॉल्स हटा दीजिए। सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर, सिलेक्शन यहाँ पे ऑटो फिल्टर, यहाँ दो दो ऑटो फिल्टर दिख रहा है ना सर, करेक्ट, उसको पहला वाला निकाल देंगे। क्योंकि एक बार जब फिल्टर लगाते हैं तो फिल्टर अप्लाई होता है, उसको फिर वापस लगाते हैं तो फिल्टर डिसअप्लाई होता है, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, तो पहले वाले फिल्टर को हटा देते हैं। दूसरा A1 से A जो 39 का एक रेंज ले रखा है, यहाँ भी प्रॉब्लम है क्योंकि अभी हो सकता है कि 8,000 है, अगले बार हो सकता है वो डायनामिक दस हो हजार हो। जाएगा। हाँ करेक्ट, डायनामिक हो सकता है। तो हम जब फिल्टर लगाए तो हमने डेटा सिलेक्ट तो नहीं किया था ना सर, हमने क्लियर और फिल्टर लगा दिया, तो यहां भी हम A1 से लगाते हैं ऑटोमेटिकली डेटा वो ले लेगा क्या? समझे? क्या? समझ आया सर? एक हाँ सेकंड, तो एक पता। हाँ सेकंड। गॉट इट। हाँ तो यहां हमने किया सिलेक्शन डॉट, यहां स्पेशल सेल, सिलेक्शन डॉट कॉपी, हमने सीट डॉट एड आफ्टर एक्टिव सीट डॉट पेस्ट, यहां तक तो कोड मेरा ठीक है। अब प्रॉब्लम आती है सीट 4 डॉट सिलेक्ट, एक कौन सा सीट 4 है जो मैंने ऐड किया। ओके हाँ करेक्ट। अब हर बार जो सीट ऐड होगा उसका नाम सीट 4 तो नहीं ना होगा, शीट टू शीट करेक्ट। या लेकिन आप ऊपर देख सकते हैं कि पेस्ट करने के लिए इसने एक्टिव शीट लिया है, लिया है ना सर, मतलब जो सीट ऐड होती है वही करेक्ट। एक्टिव हाँ होती है, तो यहां पे एक्टिव शीट शीट कर दिया फोर पे न्यू। क्या, यहां पे एक्टिव शीट डॉट मूव, ये चेंज ड्राइव है इसको हटा दीजिए। तो यहां तक हमारा परफेक्ट हो गया, हमने एक्टिव शीट डॉट नेम कर दिया। फिर कट कॉपी मोड फॉल्स तो है, इसको रहने दीजिए। ये क्या होता है कि जब कॉपी किए रहते हैं ना आप, जब कॉपी कर लिया और एस्केप प्रेस करते हैं जो लाइनिंग घूम रहा है इसको हटाने के लिए, तो यही होता है आपका कट कॉपी मोड फॉल्स। फिर सीट को मूव किया, उसके बाद एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज, और फाइल नेम, यहाँ फाइल नेम आ गया, तो बाकी चीज सही है। एक्टिव विंडो क्लोज, फिर आया सिलेक्शन मोड और फिल्टर लगाया, तो अभी मेरा कोड परफेक्टली रन होगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है सर? दिक्कत तो रेंज, डायनामिक रेंज है ना, वही है। कौन सा डायनेमिक? A1, वो तो फिल्टर के डायनेमिक कर दिया हमने। हेलो। वो डायनेमिक है ना यहाँ पे, हाँ, ये बात। दिक्कत है आपका ये रेंज हर बार सेंट्रल ही देगा। हाँ ओके। हाँ हर बार सेंट्रल
ही देगा। तो मुझे तो इसको डायनेमिक करेक्ट करना है करेक्ट। ना सर। हाँ, वो तो क्राइटेरिया हुआ, क्राइटेरिया को। ओके तो यहां हम एक देंगे इनपुट बॉक्स पी इक्वल टू, या कुछ भी दे दीजिए, एबीसीडी कुछ भी दे दीजिए, ये बिल्कुल ऐसे। हमने एन इक्वल टू इनपुट बॉक्स और इसके अंदर हमने डाला एंटर नेम, ठीक है। क्या डाला हमने? ओके एंटर नेम। तो ये इनपुट क्या करेगा? इनपुट बॉक्स आपको एक देगा इस फंक्शन पॉप। को क्या बोलते हैं हम? इसको वेरिएबल बोलते हैं क्या हाँ, आप हमने? वेरिएबल डेटा टाइप्स, वेरिएबल टेम्पररी सेविंग लोकेशंस, इसके बारे में आगे हम बहुत डिस्कस करेंगे आपको बहुत डिटेल में। ओके ओके हाँ अभी फिलहाल समझ लीजिए ना कि मैथमेटिक्स में आप लेते हैं ना कि एक्स, यहाँ लेते हैं कि एक्स इक्वल टू 100 लेते हैं। या दिस व्हाट दिस इज तो या जहां जहां मुझे 100 की जरूरत है वहां वहां क्या होता है, एक्स ले लेते हैं ना हम। करेक्ट करेक्ट सेम हाँ इसी तरह से हमने एक टेम्पररी से भी एक मतलब कि इनपुट बॉक्स की वैल्यू को होल्ड करने के लिए लिया। अब मुझे जहां जहां एक जोन चाहिए वहां वहां हम क्या करेंगे, एन दे देंगे। क्या लिख देंगे? एन आपने एन देते यहाँ हैं। हाँ एन भी हो करेक्ट जाएगा और यहां भी कुछ एन भी हो कुछ भी। जाएगा, हाँ या यहां भी एन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है यहां पे अगर मैं यहां एन कर देता हूं तो प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगी सर, बताइए। ये तो फाइल नेम है ना, फाइल ये तो लोकेशन है। हाँ, तो एन हमें फाइल का नेम भी तो चाहिए। ओके बट इसमें एन कैसे इन्वर्टेड कॉमा पे डालना है क्या? जी हाँ, क्योंकि नहीं हमने नहीं हाँ एन को इन्वर्टर कॉमा के अंदर डाल दिया ना, तो एन नाम का ही फाइल बना देगा ना। एन पे करेक्ट जो वैल्यू स्टोर है वो थोड़ी लेगा क्या? हाँ ओके इसको हमें क्या करना होगा कि तोड़ना होगा, एंड से लगा के फिर जोड़ना ओ होगा। देखिए सर, आया समझ में? फाइल सेव एज एन डॉट इसका ओके एक्सटेंशन जो था ना, जैसे एक्सेल में नहीं करते हम, देखिए बताते हैं। एक्सेल में लेते हैं और जैसे कि मान लीजिए कि ये ए ड्राइव, ई ड्राइव और 2022 है और ये आपका डॉट एक्सलेस एक्स है, और हाँ यहां जो करेक्ट आया मान लीजिए आपका नेम आ फाइनली गया, जैसे कि जो साउथ आ गया, ठीक है। तो तीनों कॉन्केट करेंगे ना, इसको लेंगे एन परसेंट, इसको लेंगे ओके ओके एन हाँ परसेंट। यू डिड कॉन्कनेक्ट देन जी हाँ जी, तभी रिजल्ट बन के आएगा ना सर, दिख रहा हाँ है? हाँ हाँ है तो सेम यहां भी हमने ऐसे ही किया, ठीक है। अब मेरा माइक्रो परफेक्टली रन रन हो गया। यहां हम रन करते हैं, रन करते पॉपअप, हमने इनपुट बॉक्स का जो मैसेज दिया। इधर हमें को तो फिल्टरिंग क्राइटेरिया डालना है तो जी हाँ, इसमें सब सेलेक्ट आपको, हाँ होगा। ये इनपुट बॉक्स का जो हमने कोड दिया था ना, उस कोड का, और जो कोड हमने डाला वो कोड का जो यहाँ आया पॉपअप आया। अब इसमें जो मैं वैल्यू डालूंगा वो एन पे स्टोर हो जाएगा। किस पे स्टोर हो जाएगा? एन पे। करेक्ट हाँ और एन पे जहां जहां चाहिए होगा वहां वहां एन ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो हमने इस डाला ओके और जैसे ओके किया वो देखिए हो गया। अब देखिए आप यहां पे जाके ई ड्राइव के अंदर 2022 के अंदर यह आ गया ईस्ट का, सेंट्रल भी है और यहाँ ईस्ट। और ईस्ट को जब ओपन करेंगे तो सिर्फ ईस्ट का ही डेटा दिखेगा, इसके अलावा कोई डेटा नहीं दिखेगा। समझे? अच्छा ओके सुपर ठीक है सर। ठीक है ठीक है।
अब बात होती है कि इस मैक्रो को रन कैसे करें। तो रन करने के कई तरीके हैं। हमने मैक्रोज में जाके सेलेक्ट किए मैक्रोज रन कर सकते थे, या इसी के ऑप्शन पे जाके हम इसके लिए शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने कंट्रोल शिफ्ट क्यू लिख दिया, अब मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करूंगा तो माइक्रो 3 रन हो जाएगा। कहां पे जाके? ऑप्शन पे जाके। ठीक है सर। ठीक है हाँ यार गॉट उसके बाद तीसरा आता है कि आप यहाँ इंसर्ट डेवलपर टाइप के अंदर इंसर्ट, इसी में बटन्स आते बटन हैं। या बटन्स को मैं यहाँ ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करते ही पूछेगा असाइन मैक्रो, हमने सेलेक्ट कर लिया एंड ओके कर दिया। अब बटन्स का नाम चेंज कर दीजिए, जो नाम चेंज डालना यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक है, हो गया रन। या अब बोलेंगे सर बटन तो ठीक है, मेरे पास अपना खुद का पिक्चर है उस पे करना है। तो सेव पे आया और अपना इस पिक्चर को लिया, ड्रैग किया और इसमें हम किया RUN रन, इसको सेलेक्ट किया, होम में गए और इसको किया यहां से रन। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ओके इस पे क्लिक करते हो जाए, तो राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद मैं जा रहा हूं यहां असाइन मैक्रो, और इस मैक्रो थ्री को सेलेक्ट एज करके ओके कर दिया। अब इस पर रन करते मैं मैक्रो चल जाएगा। समझ गए? अब या आई गॉट यहां समझ गया सर हम इस चीज से हम यहां पे ये चीज देख हमने इससे चीज चीज सीखा कि रिकॉर्डिंग माइक्रो का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, रिकॉर्डिंग माइक्रो का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ओके तो रिकॉर्डिंग माइक्रो की मदद से हम इसमें क्या होता है कि हमने इतने सारे कोड लिखने से बच गए। हमने क्या किया, करेक्ट कुछ कोड को मॉडिफाई किया, कुछ नए कोड डाले और कुछ कोड को रिमूव किया, राइट? ये किया ना, या बस नहीं हाँ और हमारा एक डायनेमिक बन के आ गया। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, समझे? ओके हाँ तो आप क्या कीजिए, इसी तरह के दो तीन एग्जाम्पल बनाइए और उसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, ओके ओके कल सर हम आपके साथ क्या डिस्कस करेंगे आपका जो कोड कंसेप्ट है।